मुदसर मुदसर जो बेड कैपेसिटी जो है 1300 के करीब हमने बढ़ा ली है, एडिशन दो दिन के अंदर हमने ऐड किया है। और अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी, हम हमारे पास पूरा स्कोप है, बेड कैपेसिटी और भी ऑगमेंट हो सकती है। ऑक्सीजन का जहाँ तक ताल्लुक है, ऑलरेडी ऑक्सीजन जो सेल्फ जनरेटर प्लांट्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं वो फुली फंक्शनल है। उसके साथ साथ तकरीबन 1000 LPM और उसके 1000 LPM का जो है हमारा कश्मीर नर्सिंग होम में ऐड होने जा रहा है, और उसके साथ साथ 1000 LPM का SMHS में भी एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा हम 1500 LPM का मजीद एडिशन अगले दो हफ्ते के अंदर अंदर कर लेंगे, और 5 दिन के अंदर जो मैंने पहले कहा कि 2000 LPM ऐड हो जाएगा। सर, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनियां भी काफी दिन रात मेहनत कर रही हैं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए फिर भी गवर्नमेंट पे कितना अभी असर पड़ रहा है, कितनी डिपेंडेंसी है प्राइवेट के ऊपर, और कितनी तैयारी है गवर्नमेंट को ये ना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रखने? एक दिन में 20,000 LPM की जो डिमांड है, ठीक है, उसमें से 16,000 से भी ऊपर जो है खुद हम जनरेट करते हैं। हॉस्पिटल्स के इन बिल्ट कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट जो है वहीं से ये ऑक्सीजन मिल रही है। जो बाकी है वो जो गैस एजेंसी से जो कंपनी से वो खुद उनसे बल्क सिलेंडर्स की शक्ल में फुलफिल की जाती है डिमांड। तो लोगों को क्या आश्वासन देंगे, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ वायरल स्टफ जो है जिसकी वजह से काफी उनको परेशानी और मेंटल ट्रॉमा होता है, तो उनसे क्या कहेंगे आप? पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पेंडेमिक जो होता है इसका ट्रेजेक्टरी क्या है आगे वो बहुत ही अनसर्टेन रहता है। सबसे अहम बात यह है कि हम इसमें पैनिक ना करें, सब्र व तहम्मुल से काम लें, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि SOPs फॉलो करें। देखिए, मास्क हर तरफ लगी हुई है, हर कोई मास्क का नाम लेता है, बड़ा हाउस होल्ड नेम मुझे लगता है जो बच्चा पैदा होगा वो भी मास्क ही पहनेगा, इतना ये आम हो चुका है। तो ऐसे में एक मास्क अगर हमें बचा सकता है, और हर किस्म के वायरस से, चाहे वो फर्स्ट वेव का था, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, चाहे वो ट्रिपल म्यूटेंट क्यों ना हो, लेकिन मास्क जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपके माध्यम से मैं ये भी तमाम श्रीनगर वालों को ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन का जो डोज है वो लें, और वैक्सीन ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये सवाल भी उठाया जाएगा कि अच्छा उस शख्स ने वैक्सीन कराया था उसको भी हो गया, लेकिन ये बात याद रहे कि किसी को भी सीवियर सिम्टम्स या सीवियर एलिमेंट नहीं होता आफ्टर वैक्सीनेशन, इसकी एविडेंस, इसकी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। सर, दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या आपको लगता है कि अभी सिचुएशन क्या ग्रिम है, क्या टेंस लेने की जरूरत है? या
एहतियात करने की जरूरत। देखिए मैं कोई रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करना चाहता, बल्कि जो हकायक है वो बताना चाहता हूँ। आज की डेट में हम वेल प्लेस्ड हैं, आज की डेट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों की हम तैयारी कर रहे हैं। हम किसी भी हालत में कम्प्लेसेंसी जो है उसको आने नहीं देंगे सिस्टम के अंदर, और हम हर तरीके से मेडिकल साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, एसएसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, हमने खुद आज विजिट किया है जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, और इन पे आके सफिशियंट बेड कैपेसिटी जो है उसका एडिशन हम कर रहे हैं। तो इसके साथ मेरी यही एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा सभी से कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम अपने अवाम को, अपने श्रीनगर के लोगों को जहां जहां मदद की जरूरत है पूरी मदद करेंगे और बिल्कुल भी सफर नहीं करने देंगे। सर आखिर में एक सवाल, आखिर में ये कि जिस तरीके से आप परसों से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 28 तारीख से ही कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करनी है, 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उसका जो मैसेज है वो सब तक पहुंच चुका है, और भी मैसेज उसका पहुंचाया जा रहा है। कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ये ऑनरेबल एलजी साहब ने अनाउंस किया है ऑलरेडी कि वैक्सीन जो है खुद यूटी गवर्नमेंट ही उसकी कास्ट बिल करेगी और वैक्सीनेशन फ्री में होगी सभी 18 साल से ऊपर के जो लोग। थैंक यू। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब